नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ, आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के विषय में कि बढ़े हुए वेट को हम कैसे आसानी से कम कर सकते हैं। वेट बढ़ना तो बहुत आसान है और जल्दी से इंक्रीज़ भी हो जाता है, लेकिन जब वेट को घटाने की बारी आती है तो बहुत मुश्किल लगता है उसको कम करना। तो ना तो आपको वेट कम करने के लिए घी छोड़ना पड़ेगा, ना ही आपको वेट कम करने के लिए भोजन छोड़ना पड़ेगा, ना ही कार्ब छोड़ना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी और आसान टिप्स बताऊंगी जिसको छोड़ने से आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वेट कम करने के लिए आज जो मैं आपसे कहने वाली हूँ कि आप एक चीज़ कम कर दें, वो चीज़ है केवल नमक, सोडियम क्लोराइड। हाँ, आपने सही सुना, मैं नमक की ही बात कर रही हूँ। आपको सिर्फ नमक कम करना है और कुछ कम नहीं करना है और कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको नमकीन चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद है तो इसको तो आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने से शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और वो नमक की मात्रा हमारे वेट को इनक्रीज़ करती है। तो वो मैं आपको भी बताऊंगी कि नमक की मात्रा वेट को कैसे इनक्रीज़ करती है। आप सोचेंगे घी से तो मोटापा बढ़ता है और कार्ब खाने से मोटापा बढ़ता है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन नमक खाने से मोटापा कैसे बढ़ता है? तो यही चीज़ मैं आज आपको बताऊँगी कि नमक खाने से मोटापा कैसे बढ़ता है। जब हम अपने भोजन में अत्यधिक नमक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को नमक ज़्यादा खाने की आदत होती है और हल्का नमक भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और ऊपर से नमक डालते हैं, तो जब हम ज़्यादा नमक का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा सलाइवा है, जो जिसे लार कहते हैं, वो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है और जब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो भूख ज़्यादा लगती है और जब भूख ज़्यादा लगती है तो आप भोजन ज़्यादा करेंगे और यही कारण है कि आपका मोटापा बढ़ने लगता है। और चूँकि आप मीठा तो नहीं खाते, लेकिन नमकीन चीज़ खाने से आप समझते हैं कि नमकीन चीज़ तो कोई नुकसान करती नहीं है, क्योंकि चीनी खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नमक खाने से भी मोटापा बढ़ता है। इसलिए हमें अपने भोजन में या रूटीन में नमक को धीरे धीरे कम करना है। अगर हमें अपना वेट लॉस करना है तो नमक पर स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, नमक के ज़्यादा प्रयोग से क्या होता है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये सेल्स से मिलकर बना है, तो जब हम नमक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमारे सेल्स में नमक की मात्रा बढ़ने लगती है और जब नमक की मात्रा बढ़ने लगती है तो वाटर रिटेंशन होने लगती है। तो ज़्यादा नमक के कारण बॉडी के अंदर नमक रुकने लगता है और जब नमक रुकता है तो मोटापा बढ़ने लग जाता है। पहले ही हमारे बॉडी में 70% पानी होता है, लेकिन जब नमक की अधिकता हो जाती है तो सेल्स में वाटर रिटेंशन की वजह से मोटापा तेज़ी से बढ़ने लगता है और वो मोटापा परमानेंटली होता है। जब तक कि आप नमक को कम ना करें तब तक वो मोटापा कम नहीं होता, क्योंकि हमें रोज़ाना रूटीन में नमक ज़्यादा खाने की आदत होती है। 1 ग्राम नमक 70 ग्राम पानी को बांध के रखता है। तो इसी तरह से जब नमक की अधिकता होगी तो जितना ही नमक हम ज़्यादा करते जाएंगे पानी की रिटेंशन ज़्यादा होती चली जाएगी। और ये नमक मोटापा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे गुर्दे, हृदय और लीवर को भी खराब करता है, उनके कार्य में बाधा डालता है। ये हमारे खास अंग हैं और अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को, जो पूरी तरह स्वस्थ है, जिसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो दिन भर में 5 ग्राम नमक ले सकता है और ये 5 ग्राम नमक सुबह से लेकर रात तक जितना भी आप खाते हैं, चाहे वो भोजन कर रहे हैं, चाहे आप जूस पी रहे हैं या मट्ठा ले रहे हैं, दही ले रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, या नमकीन, बिस्किट और ब्रेड, समोसे, पकौड़े, जो भी कुछ आप खा रहे हैं और उनमें सब में नमक की मात्रा होती है, तो वो नमक 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनको तो अपना नमक बिल्कुल 0 कर देना चाहिए, और अगर 0 करके वो नहीं रह सकते तो आधा या 1 ग्राम दिन भर में उन्हें
नमक खाना चाहिए और अगर इससे ज़्यादा नमक वो खाएंगे तो अस्वस्थ होते चले जाएंगे। और शरीर को ज़रूरी कामों के लिए जितना नमक चाहिए उतना नमक तो प्रकृति माँ हमें साग सब्जियों से, फलों में, अनाज में, सब में हमें इतना नमक वो दे देती है कि हमें एक्स्ट्रा नमक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो नमक खाते हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, तो टेस्ट के लिए हमें नमक को कम खाना चाहिए। और वेट लॉस करने के लिए आप नमक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, कहाँ कहाँ आप नमक को अवॉइड कर सकते हैं। तो अब जैसे सलाद और फल आप खाते हैं तो उनको बिना नमक डाले खा सकते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में आपको अच्छा ना लगे क्योंकि आपको उस पर नमक डालकर खाने की आदत है, लेकिन धीरे धीरे ये सब आदतें चेंज हो जाती हैं। जब हमने एक मोटिव उठा लिया है, एक लक्ष्य उठा लिया है कि हमें वेट लॉस करना है, तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो सलाद और फलों पर नमक नहीं डालना चाहिए। उसके अलावा जब हम अपने भोजन में दही और मट्ठे का प्रयोग करते हैं उसमें आप जीरा, अजवाइन, जो भी आप छौंक लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें नमक को अवॉइड करना ज़रूरी है। कुछ घरों में रोटी में, चावल में, रोज़ाना में नमक डलता है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। रोटी में हमें नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, चावल में हमें नहीं डालकर खाना चाहिए। इसके अलावा दाल सब्जी में हल्का नमक डालना चाहिए, और दाल सब्जी में अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप उसे बिल्कुल ऊपर से नमक डाल के ना खाएं। जो इस तरह से डाला हुआ नमक होता है वो वैसे भी नुकसान करता है। कुछ लोग जब पकौड़े खाते हैं तो उसमें भी ऊपर से नमक डालते हैं, या पोहा खाते हैं उसमें भी ऊपर से नमकीन डालते हैं। ऐसा करने से नमक की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और हमें चिप्स, पकौड़े, इस टाइप की चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए, जिससे कि नमक की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा ना हो। और या जब कभी आपका मन करे खाने का तो उसमें नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। और बाहर जब कभी भी आप खाना खाएं तो किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में खाएं, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा संतुलित होती है। कभी भी स्ट्रीट फूड ना खाएं, क्योंकि जो इस तरह के भोजन होते हैं उनमें नमक की मात्रा तो ज़्यादा होती है, साथ में मिर्च मसाले भी ज़्यादा पड़ते हैं और ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाते हैं। रूटीन में हमें सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, काला नमक यूज़ करना चाहिए, और नमक हमें सीमित मात्रा में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नमक सीमित मात्रा में यूज़ करने से मोटापा तो कम होगा ही, साथ साथ आपकी जो हृदय, गुर्दे और लीवर की प्रॉब्लम है वो सब भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो आपने जाना कि वेट लॉस में नमक का कितना अहम रोल है, और नमक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कम नहीं कर सकते। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। मैंने जब ये नेचुरोपैथी का कोर्स किया और मैं इस कोर्स को करने के लिए हॉस्टल में रही, तो वहाँ जो खाना मिलता था उसमें बिल्कुल नमक नहीं होता था, जीरो नमक होता था। तो अब आप बताइए कि वो जीरो नमक वो व्यक्ति कैसे खा सकता है जो रोज़ाना में नमक खाता हो, जबकि मैं या हमारे परिवार में पहले से भी नमक कम ही खाया जाता था। लेकिन जब हम वहाँ गए और बिल्कुल नमक नहीं था तो उस समय हमें लगा कि ये खाना कैसे खाया जाएगा, लेकिन चूँकि एक दृढ़ निश्चय कर लिया था और हमने सोच लिया था कि हम यहाँ नेचुरोपैथी की पढ़ाई करने आए हैं और यहाँ हमें जैसे रखा जाएगा हम वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आगे हमें अपने पेशेंट के लिए या आगे जिनको भी हमें कुछ बताना है तो उनको हम तभी बता पाएंगे जब तक हम उस प्रैक्टिकल का अनुभव खुद नहीं कर सकेंगे। तो आप समझ लीजिए कि मैंने वहाँ 2 महीने तक, क्योंकि वहाँ 2 महीने हमें प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें देनी थी, तो उस 2 महीने तक मैंने बिल्कुल एक रत्ती भी नमक नहीं खाया। और आपको यकीन नहीं आएगा कि जब मैं लौट करके घर आई तो यहाँ जो हमारे रूटीन में नमक डलता था और उस नमक की जब मुझे सब्जी खाने के लिए मिली तो मैं कहने लगी, अरे आप लोग तो बहुत ही नमक ज़्यादा डालने लगे, पहले तो कभी इतना नमक डालते नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं था, नमक तो वो उतना ही डलता था, लेकिन चूँकि हमारी जो टेस्ट बड्स हैं हमें आदत पड़ गई थी बिल्कुल ना नमक खाने की। और आप भी इस चीज़ को आराम से फॉलो कर सकते हैं। 2-4 दिन की असुविधा ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप इसको अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वेट लॉस निश्चित रूप से जल्दी होगा। और अपने भोजन में आपको किसी चीज़ को छोड़ना भी नहीं पड़ेगा।
हर चीज़ आप आराम से खाएं। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।